ईमेल वाले को क्या करना है हमारे यहाँ, सिंपल है। ईमेल वाले के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, यही वाले नंबर में मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, ईमेल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 27 है ना, 27 को अगर मैंने 24 कर दिया तो 3 माइनस किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब ये आपका ईमेल आ जाएगा, 160 आ रहा है। तो आप 160 आ जाएगा तो ये भी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी यहाँ, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 22। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज यहाँ पर तो सेव रहेगा 15, 32 और ये कितना था 53, 53, फिफ्टी 3 के बाद आपका 75 भी सेव रहेगा, 75 प्लस 99 प्लस जो आपका रहेगा 4 और फिर उसके बाद 99 पर तो 43 और ये फिर तो आपका 160। इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड करके एक इवेंट का आधार से लिखोगे तो ये आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इवेंट आए, इवेंट में आपको 2 नंबर आए, इवेंट में 2 नंबर कौन कौन से आएंगे आपके, तो एक तो ये वाला नंबर रहेगा बराबर, ये वाला पोजिशन, और एक आपका n/2 है, 2 नंबर आते हैं रूलर पोजिशन पे, एक ये नंबर आता है और एक n/2 है, ये तो रूलर पोजिशन के नंबर, इसको आप कैसे लिखोगे, रूलर पोजिशन पे, रूलर पोजिशन पे आपको कौन सा नंबर आ रहा है, ये तो आपका n/2 आएगा और ये n+2 और में हम लोग ये कर रहे हैं, ध्यान देना, और में हम लोग ये कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर का आधा ले लूँ, इस नंबर का आधा कितना आ जाएगा, बीबी पोजिशन और कौन सा AB1 पोजिशन, बात दे रहे अभी मीडियन क्या हो जाएगा आपका, मीडियन में आपको एबी पोजीशन लिखना है, एबी पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, ये इसमें आएगा बरोबर, एबी पोजीशन का भी 32 है और एबी वन पोजीशन का भी 32, ठीक है, 32 है, तो डिवाइड बाय 2 का मतलब पूरी मुझे कितना है, मीडियन कितना जो है 32। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, हो सकता है आपका एबी पोजीशन ये वाले यहाँ पे आए और 32 पोजीशन यहाँ पे आए, समझ रहे, 31 और 32 के बीच में एबी पोजीशन मान लो यहाँ पे आ गया आपका, इसी क्वेश्चन का वर्ड 30 और आपका 81 यहाँ पे आ गया, समझ रहे, तब आपको यहाँ पे 31 प्लस 32 का मीन हो गए तो आपको कितना आ जाएगा 31.5, बस वो अभी तो दोनों सेम पीस हो, दोनों इसी पोजीशन में आ गए, इसमें क्या आया कभी नहीं बराबर, और इसीलिए आपका मेन जा रहा है और यहाँ कुछ नहीं कर रहा और ना आपको यहाँ पे डेफिनेशन ये हो रहा है और इवन रहा तो n/2 और n/2 प्लस 1 देखो ये दोनों पॉजिटिव, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा एग्जाम में वो कि दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ गलत, आपको ये ऑड में करना है, यहाँ पे ये सेपरेट नहीं है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और ये दोनों डिफरेंट है, बना मैंने कई बार सब सोचा, आपको ऐसा हुआ जो है n बाय 2 इसका हाफ किया उसके हाफ के बाद मेरे यहाँ पे ये दिया और ये भी बोल, ओके, बस ये आपका इवेंट का था, ऑड का था, यहाँ पे आप। अच्छा, और एक जो फेमस क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राइट द मैरिड एंड डिमैरिड ऑफ मी, सॉरी मीडियन, राइट द मैरिड एंड डिमैरिड, और उसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, हाँ, इट इज नॉट इजी टू
calculate this very deadly process that does not based on all the observation. कोई भी चार पॉइंट जो आप मेन के लिए याद करोगे वही आप मीडियम में यूज़ करोगे, वही आप क्वार्टाइल्स पे यूज़ करोगे और वही आप क्वाड में यूज़ करोगे, ठीक है।